इतना बढ़िया कि भाई देखो फिर तो अपने नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और हम हाथ धोकर रेडी हो चुके हैं और यहाँ बन गई है अपनी मैगी। अपने छोटा सा किचन है, एक और कमरा है वहाँ पे, दो कमरे ऊपर हैं, बाकी दो पुराने वाले घर की दशा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इससे ये वाला ब्लॉग है ना भाई एक नंबर तवाही सीन होने वाला ब्लॉग में। क्यों? क्योंकि इस वाला ब्लॉग में काफी चीजें मैं आपको गाँव की दिखाने वाला हूँ, तो इस वाले ब्लॉग को ना पूरा आप लोगों ने एंड तक देखना, पूजा भी होने वाली शाम को। तो चलो पहले खाना खाते हैं। और ये ना बंठा और गागर है, मतलब ये तांबे और पीतल के बने हुए होते हैं। अगर कोई उत्तराखंड से तो यस कमेंट में लिख के यस कर देना, क्योंकि यार ये ना उत्तराखंड की शान हुआ करता था। बंठा है, गागर नहीं है यहाँ पर, तो इसमें पानी ना मैं दिल्ली में भी पियोगे ना, हम इसमें पीते हैं कभी कभार पानी, भाई क्या फ्रेश और क्या ठंडा लगता है ना, मजेदार लगता है, मजेदार। तो ठीक है चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। यार मैगी मैगी पहाड़ों वाली मैगी भाई साहब, ये देख रहे हो लोग कहते ना पहाड़ों पर मैगी, ये हमने हमने अपने घर पर बना दी है। देखो ये मैगी पहाड़ों वाली मैगी, फटाफट खा लेते हैं। जहाँ पर हमारे विजय चाचा जी आ रखे घर पे, चाय पी रहे हैं चाय। ये देख रहे हो चाचा जी बोल रहे थे स्टील ग्लास लेकर, मैंने कहा अभी मैन्युफैक्चरिंग पे दे रखे फिलहाल, इससे पीते रहो। तो भाई अभी भी बारिश बंद नहीं हुई है, पर मौसम सामने की बात में भाई क्या प्यारा हो गया, बहुत पहली बार देख रहा हूँ इतना। शादी कैसे चल रही है? और फिलहाल ना हम देखो सारा कनेक्शन का जंजाल बना दिया है, पता नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है अभी ना खराब वरा हो रखा है, तो ढंग से कनेक्शन करना पड़ेगा, अगली बार करेंगे जब नवरात्र में आएंगे। तो अभी वैसे ही ब्लफ लगा दे, काम चलाओ। और भाई पूरा फॉग था, अभी पूरा फॉग हट चुका है। और वैली का व्यू अगर मैं आपको लोगों को दिखाऊँ ना, पूरा क्रिस्टल क्लियर है, पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर। कुछ करने के लिए तो नहीं है फिलहाल। सो भाई छोटे मोटे काम तो अपन लोगों ने निपटा लिए, हम जा रहे हैं कहाँ? हम जा रहे हैं बारिश बंद हो गया ना काम करने के लिए, पीछे गई है मम्मी काम करने के लिए। भाई पीछे ना बहुत ज्यादा वो हो गया है, ये हमारा वो घर है ना, तो मम्मी ऊपर चढ़ गई क्या? तो मम्मी वहां कर रही है सफाई। हाँ देखो, और हम चढ़ते हैं ऊपर। देख रहा गाँव वाला तुम्हारा भाई कितना मेहनती है, प्रमोद मेहनती इंसान, कितना काम कर रहा है। और ये बुढ़िया देखो यहाँ रेस्ट फरमा रही बैठ के, भाई साहब। और ये देख रहा हमारा पेड़, ये पेड़ भी कटवा देंगे मम्मी, 500,000 रुपए देंगे, किसी को बुला दो दे देंगे पैसे, कोई काटने वाला मिल जाए, पूरे घर पर पूरा ऐसा फैल गया। देखो इस कितना बड़ा बड़ा आम का पेड़ है और टूटता है ना। भाई सामने ना ज्यादा पानी से गधेरा आ गया, तो पानी की आवाज यहाँ तक नहीं आ रही। क्यों आप लोगों को जाके दिखा दूं क्या? चले चलते हैं, आप लोग नजारा दिखाते हैं। गाइस देख रहा हूँ क्या काम कर रहे हैं भाई, यहाँ से ना पूरा पानी जा रहा है नीचे बाथरूम में, तो हम लगा रहे हैं पुट्टी। लगाने तो आती नहीं है बट ठीक है, कोशिश करिए कि नीचे पानी ना जाए। ये देखो पूरा मैंने सेट कर दिया भाई मामला। भाई तो ठेके देके दे दो ना घर के गांव वालों, मैं सब कर दूंगा, पे नहीं मारूंगा ना। गाइस ये देख रहे हो मजदूर, महंगा मजदूर, अभी यूएसए से इंपोर्ट करवाया गांव वालों, अगर तुम्हें करवाना तो सस्ते में तो मैं थोड़ा मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ। चलो मैं आप लोग एक बार ना पूरा अपना फिर से विलेज टूर देता हूँ। और विलेज टूर तो क्या देना, आप लोगों ने सब देखा ही हुआ है। तो चलो फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ अपने विलेज टूर की, और आप लोगों को पूरा एक विलेज टूर देता हूँ बढ़िया वाला। एक घर तो हमारे वो चाचा जी का पूरा जो कि बहुत बढ़िया बना हुआ है, टूट के खत्म हो गया। और एक घर हमारे ताऊ जी का यहाँ पर है, और एक घर हमारा ये रहा, और बाकी एक घर आगे की तरफ है, चलो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को हमारा वाला। सो दोस्तों देख रहे हो उत्तराखंड तो बहुत ज़्यादा प्लान की मार कर चुका है, और खासकर पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में तो ऑलमोस्ट 70% गाँव प्लान हो चुके हैं, थोड़े बहुत बच्चे हैं कोशिश कर रहे हैं जिंदा रहने की, बट उत्तराखंड सरकार की तरफ से तो कोई इनिशिएटिव है ही नहीं, तो कोशिश कर रहे हैं बस कुछ दिनों तक वो भी हैं, उसके बाद वो भी ख़त्म है। और ये है हमारा दादी का गाँव, ये हमारी दादी का घर है,
तो ये वाला घर तो पूरा टूट चुका है, मैं आप लोगों को इसकी हालत भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये घर भी पूरा टूट चुका है, ऊपर से अंदर से भी पूरा देखो टूट चुका है, दिख रहा होगा ना, बंद करा हुआ है। ये पूरा घर हमारा टूट चुका है पुराना। सो दोस्तों, मम्मी एक गाड़ी को धोने के लिए कपड़ा दे दो, कोई कपड़ा। हाँ, जा रहा हूँ धोने। ये आप लोगों ने मेरा घर देख लिया, वो उसके बगल वाला देख लिया, यहाँ पर है जया दादी जी का घर, मतलब हमारे गोली भाई का। जो गोली भाई का घर तो गोली हो गया, गोली भाई तो पता नहीं क्यों, और वो नीचे आग की लोग तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखा दिया था, है ना। आज मैं धीरे धीरे आपको पूरा दिखाता हूँ। और फिलहाल ना भाई, जो गाड़ी गंदी हुई थी ना, आपको मैं गाड़ी साफ करने रहूँगी, गाड़ी ज़्यादा होगी गंदी और कीचड़ उचड़। तो सोचा अभी भाई का फोन आया, नीचे अरुण भाई का, वो कह रहा भाई चलो गाड़ी धो लो, पाइप लगा मैंने, तो मैंने कहा चलो धो लेते हैं। और ये सुनीता चाची का मकान है, और वो सरिता चाची का, गाड़ी साफ वाला करा रहे हम, दिल्ली वाले लोग यहाँ पर आकर भी गाड़ी चमकाने भी लगे पड़े हैं। इसके बाद मेरी गाड़ी का नंबर है, और यहाँ हमारे भाई खड़े हुए हैं, तो पहले भाई की गाड़ी फिर अपनी गाड़ी। चाचा, A few moments later, निकल गए अपने खतरनाक लद्दाख वाली ऑफ रोडिंग पर, और सारे भाई लोग भी निकल गए हैं, और हम अभी लद्दाख वाली ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। भाई देखो, ऐसी ऑफ रोडिंग तो लद्दाख में भी नहीं मिलती जो हमारे गाँव में मिलती है। तो किसी को अगर घूमने का मन करे भाई हमारे गाँव में आ सकता है। हमने होम स्टे खोल दिया अपने गाँव में, 200 रुपए पर पर्सन। थोड़ा सा आगे जा ही रहे थे, नया टेंशन। और ना सामने एक गांव, आप लोगों को मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो सीता माता थी ना, सीता माता राम जी और सीता माँ समा गई थी, हाँ धरती में समा गई थी। और ये रहा मंदिर, इसी मंदिर में सीता माता समाई थी, और ये रियलिटी है, ये हकीकत में यहाँ समाई थी, और ये हमारे गाँव के बस बिल्कुल पास में ही है। गाय समा चुके हैं गेंडी छोड़ा में, ये हमारे गाँव का कैंपटी फॉल है। लोग मसूरी जाते हैं ना, हम यहाँ पर आते हैं, देख रहे हो। वैसे यहाँ पर रास्ता बंद हो गया, दो बच्चे मरे थे, मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, बट फिलहाल अभी यहाँ पर घूमने आ रखे, ऐसे आए हैं भाई गांव में, टाइम पास नहीं हो रहा। और जंगल देख भाई, जंगल का खतरनाक हो रखा है, देख रहे हो। तो आप पूरा नीचे जा रखे हैं, हम मुझे मेरा ब्लॉग देखा था आपने, मैं नीचे गया, दीपू भाई लोग उस दिन नीचे गए थे, सब नीचे गए थे उस दिन, तीनों कार लेके, उस दिन हम तीनों कार लेके दोनों गए थे। अरे मतलब तीनों कार लेके जितने लोग थे भाई, पूरा मजा आया था नीचे। पर आज पानी कुछ ज्यादा है भाई, वो लोग बच्चे कहाँ मरे थे, वहाँ मरे थे, घर पहुंच चुके हैं। फिर ड्रावना अंधेरा को देख रहा हूँ, अंधेरा ड्रावना कोरा, भाई साहब क्या ड्रावना लग रहा है घर, और चुंचिया 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 क्या आवाज आ रही होगी आपको। तो भाई गांव अच्छा तो है, बट रात को भाई क्या इतना ड्रावना लग रहा है ना घर, इतना ड्रावना, रात को पूरा जंगल है यहाँ पे। आप लोग ना दिन के नजारा देख ही लेंगे ना भाई, ये देखो पूरा खतरनाक जंगल है, इस तरह तो पूरा खतरनाक, और हमें जाने में डर लगता है। मतलब सीरियसली बोलूँ ना, अगर मुझे वॉशरूम जाना है ना, तो मैं नहीं चाहता हूँ भाई, रात को बहुत ड्रामा है, इस तरफ तो पूरा खतरनाक है, और इतना गंदा अंधेरा है, सिर्फ घर की लाइट वो चल रही है, बाकी इस पूरे पहाड़ पर कोई नहीं है, बाकी यहाँ चल रहा है अभी चाचा लोगों का खाना, यहाँ सब खाना खाना खा रहे हैं, बाकी मम्मी लोग नीचे खाना ला रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी लगी है खाना खिलाने में, हो गया। देखो गाइस, यहाँ मम्मी लोग हमें का खाना हो गया, पूजा स्टार्ट होती है, हम बर्तन धो रहे हैं, और हमारे घर में भाई देख लो, दिल ये आया बाहर देश से, हमारे भैया विशाल भाई, ये देखो मैं सो हेलो गुड मॉर्निंग मित्र, कैसे हो आप सब भाई। सुबह सुबह की नींद खुल तो चुकी है हमेशा की तरह, चिड़िया की चहचहाने की आवाज से, और बिल्कुल 6 बजे नींद खुल गई है, रात को 12:30 बजे सोए थे, और देख लो पीछे धूप आ चुकी है भाई, धूप फुल ऑन धूप आ गई है, 2 दिन से इतनी बारिश थी ना, बढ़िया शिट पीछे फिर से बारिश का मौसम है अपोजिट, भाई बड़ा परेशान हो गया 2 दिन से। और जगह जगह ग्रीनरी ग्रीनरी, घास घास हो चुकी है, वो रहा आम का पेड़, और ये मौसमी का पेड़ है ये छोटा वाला, और वो पीछे वाला आम का पेड़ है ये वाला। हाँ तो ठीक है, आज हमारे गाँव में आखिरी दिन है, और कल की पूजा का मैंने ब्लॉग जाना ज़्यादा दिखाया नहीं है, पर ऑल दो पूजा थी तो मैंने इतना उसको कैप्चर नहीं किया, बट ठीक है गाइस। और हाँ, जो जो गांव का लोग, जो जो गांव के लोग और जो बाहर के लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं ना यार, तो नवरात्रों में अक्टूबर में हमारे गांव की पूजा होने वाली है, तो आप लोग सभी आइएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है। बाकी जो गाँव के लोग हैं उनको अलग से सूचना मिल जाएगी गाँव के ग्रुप में, और सूचना मिलने के बाद आप लोग जरूर। तो दोस्तों यहाँ चल रहा है अपना थोड़ा छोटा सा काम, और भाई इस प्यारे से व्यू के साथ हो रहा है भाई यहाँ के काम के नज़ारों के मज़े।
तो बस थोड़ा थोड़ा पैकिंग करते हैं, पूजा करते हैं, फिर निकलते हैं, मतलब फटाफट से छोटा सा काम निपटा लेते हैं। सो गाइस अभी हम निकले गांव भ्रमण पे, छोटा मोटा काम निपटाने अपना। और ये नज़ारा देख लो पीछे के भाई, तावड़ तोड़ रखे हैं, पर चेहरे पर पड़ रही है पहले सीधी धूप, इसका एक्सपोजर करते थोड़ा सा कम। अच्छा है ना, मस्त लग रहा हूँ ना, गोरा गोरा इफेक्ट लगाया भाई, महंगा वाला। क्या हालत हो गई घर की, पर इस बार पूजा में सब लोग आने वाले ना, तब होगा जहर सीन, जहर। तो अभी हम घूमते घूमते पता नहीं कहाँ आ गए, पर यहाँ तो मस्त नज़ारे और सीनरी लग रही है। तो दोस्तों ये उत्तराखंड का ना ब्रश है, ये टैंगन होता है, ये टोंगू होता है, तो ये हमारा टोंगू है और इससे हम करने वाले हैं ब्रश, देसी ब्रश। ये बिल्कुल हमारा होना देसी इलाज, तो मतलब वैसे तो ना कर लिया है, पर कभी अगर ऑर्गेनिक टूथब्रश भी काम आना चाहिए ना लोगों के लिए, तो ऑर्गेनिक मिल गया मेरे को, मैं ये करने वाला हूँ। तो दोस्तों हम टेंगू से कर रहे हैं अपना टूथपेस्ट है, ये ऑर्गेनिक है उत्तराखंड का टूथब्रश, पहले लोग इसी को यूज़ करते थे, आज भी गाँव के बहुत सारे लोग इसी को यूज़ करते हैं। और हमारा टिमरू, तो टिमरू तो नहीं है, टिमरू मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था ना आप लोगों को, इस ब्लॉग में कुछ और दिखाया हमने नया डॉट है। तो दोस्तों अभी हम गदेरा रखे, पिछली बार मैंने गाड़ी यहाँ तक लगा रखी थी, गाड़ी मैं यहाँ तक लेके आ रखा था पिछली बार, नहीं खाली था ही, तो टूट गया, सब टूट गया। अरे लो क्या मस्त है पानी, तो यहाँ पर हम अपने हाथ पैर धो रहे हैं। ओए होए पानी कितना ठंडा हो रखा है, बहुत ठंडा ठंडा पानी है। और ऊपर भी एक गांव है ड्रावने को, 300 लोग रहते हैं, अच्छी दारू बेचते हैं, वो मस्त लग रहा है ठंडा ठंडा वाला। अरे आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा ना, सारे भाई बहन वाला कदम वाला, तो गाड़ी हम यहाँ तक लेके आए थे, अब ये टूट गया है बारिश के पानी की वजह से ना, पर हम गाड़ी यहाँ तक लेके आए थे और हमने गाड़ी बढ़िया धोई थी। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो भाई गाँव के मजे तो है, नज़ारा तो अल्टीमेट है, बस आप लोग आइए और एंजॉय कीजिए, सच में मज़ा आएगा आपको, मतलब साल में 2-3 दिन के तो आ ही सकते हो, मज़े सीरियसली मज़े आएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग। यहाँ खड़ी है अपनी जाने मन। हाँ दोस्तों एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, मैंने ना अपनी गाड़ी को ना आज तक कोई नामकरण नहीं करा था, सो कॉल ट्रेंडिंग चल रहा है ना, हर कोई लोग अपनी गाड़ी को नाम दे रहा है, मैंने अपनी गाड़ी को नाम दिया है, पता नहीं कैसा होगा, पर बहुत ढूंढने के बाद, बहुत सोचने के बाद, दिस वॉज माई गरुड़ा, इसको मैंने नाम दिया गरुड़ा, तो ये आज के वास्ते मेरा गरुड़ा है, इस गरुड़ में हम सवार होकर जाते हैं, तो चलो फिर चलते हैं इसी सवार में होके। तो अभी ना पंडित जी को छोड़ने गया था पूजा के बाद, तो यार थोड़ा जल्दी जल्दी में छोड़ गया, तो मैंने उनका ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि गाड़ी में ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और इतना दूर छोड़ने आना पड़ा ना, 1.5 घंटे लिटरली पैदल चल रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि रास्ते में लोग मिल जाए, उनको भी रास्ते में छोड़ दूँ, पर इतनी बुरी किस्मत है मुझे कोई नहीं मिल रहा, पूरी गाड़ी खड़ी पड़ी है, मुझे ना 1.5 घंटे इस ऑफ रोडिंग पे अकेले जाना पड़ेगा, पूरी ऑफ रोडिंग अकेले करनी पड़ेगी, तो मिल जाए फटाफट से, फिर चलते हैं इस ऑफ रोडिंग पर, उनको छोड़ कर आए हैं और घर जाना भाई। और ना मेरे को बहुत ही भूख लग रही है, रास्ते में रोक के ना भाई चाय वाय तो मार ली थी, एक चाय पी ली थी और ना दो वो खा ली थी, क्या बोलते हैं क्रीम रोल, अभी पर भूख लग रही, लिटरली भूख बहुत ही भूख लग रही है अभी, तो ठीक है कोई नहीं, तो चलते हैं अपने आगे की तरफ और घर पे जाके खाना खाएंगे फटाफट ना, क्योंकि लेट हो रहे हैं। दोस्तों 1.5 घंटा हो गया छोड़ के आना, सीरियसली 11:13-9 बजे निकला था मैं छोड़ने के लिए, 9 बजे, और ये देख रहे हो ये दुख खत्म ही नहीं हो रहा ना कच्ची रोड का, पर ये दुख अब खत्म हो जाएगा कुछ ही क्षण में, वो देख रहे हो सामने ही है पक्की रोड भाई, गांव के पास तो ना पक्की रोड है, दिल को तसल्ली मिलती है ना, अब मिली तसल्ली, ये अब मिलती है यहाँ से तसल्ली, ये पक्की रोड आती है अपने गांव तक, और हमारा गांव देख रहे हो कितनी दूर, वो सामने जाना है बिल्कुल उस धार पे, वो उस वाले धार पे, तो भाई छोड़ डेढ़, मेरे को लग कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं, मतलब एक सिंगल अंकल आंटी बच्चा बुढ़े अंकल कोई भी नहीं मिला, गांव में लोग रह ही नहीं रहे, मुझे लगा था मैं गाड़ी में किसी को छोड़ दूंगा, मेरी हेल्प होगी, बोर्ड 1 घंटा 25 मिनट का रास्ता है, ऑलमोस्ट 1 घंटा तो हो चुका है, 10-15 मिनट और लगेंगे अभी घर पहुंचने में, तो अगर कोई मिल जाता तो मेरी तो मदद हो ही जाती ना, उनकी तो होती होती, मुझे उसे कोई करनी पड़ता, मेरी हो जाती, अकेले बैठे बैठे बोर हो गया, मैं सबको कॉल कर लिया, फिर पर ठीक है गाइस क्या कर सकते हैं, अभी अपने टेढ़े मेढ़े रास्तों से जा रहे हैं घर,
और यस गांव वालों को तो मैंने थोड़ी बहुत सूचना दे दी है, बस नौ दिवाली या दशहरे पर रहना तैयार सब गांव वालों को, एक एक दो दो तीन तीन बंदा सारे मत आओ, सारे तो आप लोग आ नहीं सकते, तो कुछ 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 लोग आ सकते हो यार। और अपने इस पूजा में, हमारी नागजा की पूजा में और देवी की पूजा में जरूर शामिल होना, बाकी आप लोगों ने तो पहुँच ही जाएगा। और जब प्यारे से नज़ारे देख रहे हो, क्या जहर नज़ारे हो रहे हैं हर खिड़कियों से आजकल।